नमस्कार, मैं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जेएन भारत। हटिया राउरकेला रेलखंड पर हादसा जिसमें लोको पायलट भी जख्मी हो गया है, वहीं मालगाड़ी की कुल 12 बोगियां भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कुरकुरा रेलवे स्टेशन व कोयल रेलवे ब्रिज के मध्य मुख्य रेलवे लाइन पर बीती शनिवार की रात लगभग 10 बजे के आसपास दो मालगाड़ियों के बीच सीधी भिड़ंत हुई। बताया जा रहा है कि राउरकेला से बॉक्साइड लोड कर बोकारो जा रही एक मालगाड़ी को कुरकुरा रेलवे स्टेशन के ट्रेन नंबर 3 पर खड़ी किए जाने के लिए सिग्नल दिया गया था, परंतु वैक्यूम काम नहीं किए जाने के कारण ट्रेन नहीं रुकी और स्टेशन से बाहर लगभग 100 मीटर दूरी तक मुख्य लाइन पर बढ़ गई। जबकि दूसरी ओर हटिया से किरुबुरु करमपदा की ओर जा रही खाली मालगाड़ी ट्रेन कुरकुरा रेलवे स्टेशन के पार खंबा नंबर 499/17 व 499/18 के बीच पहुंची और दो मालगाड़ियों के बीच आमने सामने भीषण भिड़ंत हुई। इस हादसे में लोको पायलट भी जख्मी हो गया, वहीं मालगाड़ी की कुल 12 बोगियां भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इधर घटना की खबर लगते ही रातों रात रेलवे के उच्च अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे, वहीं घायल लोको पायलट रंजीत कुमार को प्राथमिक उपचार कुरकुरा में ही किया गया। वहीं मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।